यज़ फाउल्स, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज नहीं, इसी वक्त आमना सामना होने वाला मल्टीप्लेयर गेमों के राजाओं का CSGO वर्सेस कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। ठीक है, ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ आप बोलेंगे अभी आर यू क्रेजी फाउल, तू कंपेयर कर एक पीसी गेम के साथ एक मोबाइल गेम को। तो आपको ये जान लेना चाहिए, एक ऐसा कोई भी मल्टीप्लेयर मोबाइल गेम नहीं है जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को टच भी कर सके। ठीक है, तो इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। और डोंट वरी, ये वीडियो थोड़ा भी बोरिंग नहीं होने वाला। ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते रहिए, थोड़ा भी कट मत कीजिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को टू रोल योर लाइफ इन ए गेमिंग डायरेक्शन। और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ आप देखते रहो और गेम्स के बारे में जानते रहो। तो बिना कोई देरी किए हम बात कर लेते, सीधा आ जाते हैं हमारे CSGO की तरफ। ठीक है, कंपैरिजन वीडियो, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं CSGO से। तो पहले बता देता हूँ CSGO क्या है। ठीक है, जो बंदे नहीं जानते CSGO एक्चुअली है क्या है। CSGO काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव एक टीम बेस्ड मल्टीप्लेयर FPS गेम है जो 21 अगस्त 2012 को लॉन्च हुआ था। और ये टीम बेस्ड गेम है, इसमें आपको दो टीम दिया जाता है, एक टेररिस्ट वन और एक काउंटर टेररिस्ट वन। टेररिस्ट का काम रहता है बॉम्ब आके प्लांट करना, जिससे कि वो जीत जाए, नहीं तो आपको सारे टीम काउंटर टेररिस्ट टीम को पूरा खाली कर दे जिससे कि वो जीत जाए। और काउंटर टेररिस्ट का पार्ट ये रहता है कि वो टेररिस्ट को पूरा खाली कर दे, नहीं तो बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दे, बॉम्ब प्लांट किया गया होगा तो। और हम इसमें 6 मोड देखने को मिलता है। ठीक है, पहला मोड जो हम हटा देते हैं आगे से वो है डेंजर जोन, जो है बैटल रॉयल मोड। इसलिए बेसिकली हम हटा दे रहे क्योंकि ना मल्टीप्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इसे इन डेप्थ इतना नहीं जाके बताऊंगा क्योंकि ना ये कंपैरिजन वीडियो है। ठीक है, ये गाइड वीडियो है नहीं, तो इसमें बस मैं आपको इतना बता दूंगा चीज़ें कि आप समझ में आ जाए CSGO किस तरह का गेम है, जिससे कि आप ये दोनों कंपैरिजन में हमारे साथ रह सको। ठीक है, नहीं हम पहले बात कर लेते हैं TDM की, टीम डेथ मैच। TDM में पर किल पे कुछ पॉइंट्स मिलता है और जिस टीम को ज़्यादा पॉइंट्स रहेगा एंड ऑफ द मैच वो टीम जीत जाती है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं आर्म्स रेस। आर्म्स रेस, ठीक है, आर्म्स रेस मतलब गन का रेस, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको देखिए हर एक किल पे आपको एक गन चेंज होगा, गन अपग्रेड मिलता है। उसके बाद आपको 27 ऐसे प्लेयर्स को मारना है जिससे कि गन्स अपग्रेड हो और 27 जो टीम पहले क्रॉस करेगा वो टीम जीत जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है। तो हम आगे बढ़ते हैं डिमोलिशन की तरफ। डिमोलिशन बहुत ही सिमिलर है आर्म्स रेस की तरह, इसमें गन अपग्रेड होता है बट थोड़ा चेंजेस है। इसमें आपको बॉम्ब डिफ्यूजल भी रहता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टेररिस्ट टीम बॉम्ब आके प्लांट करता है और काउंटर टेररिस्ट टीम आके डिफ्यूज़ करता है। अगर दोनों टीम में से कोई भी टीम अलग दूसरे टीम को किल कर लेता है पूरा, वो टीम जीत जाएगी। और डिमोलिशन में वही सेम सिस्टम है, आपको जितना आप किल करोगे उतना अपग्रेड होता रहेगा आपका गन, और ये बात तो इसको मज़ेदार बनाती है। उसके बाद हम बात करें तो कैजुअल की, और उसके बीच दो तरह के टाइप मिलते हैं। ठीक है, एक मिलता है डिफ्यूजल, जैसे कि आप डिफ्यूज़ करना बॉम्ब को वो गेम, और दूसरा है हॉस्टेज। ठीक है, मैं डिफ्यूजल के बारे में तो आपको बता चुका हूँ, बस अभी हॉस्टेज के बारे में बता देता हूँ। हॉस्टेज में भी वही सेम फंडा है, हॉस्टेज रेस्क्यू में आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर दो हॉस्टेज जो रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, मतलब उनको बचा के लाना है टेररिस्ट से, जैसे कि आप जीत जाएंगे। और अगर आप ख़त्म कर लेते सारे टेररिस्ट को तब भी आप जीत जाएंगे। अगर आप टेररिस्ट की तरफ रहते हैं तो आपको काउंटर टेररिस्ट को पूरा किल करना होगा, जिससे कि आप जीत जाएंगे मैच। तो बात कर लेते हैं अभी कम्पिटिटिव की। कम्पिटिटिव में बहुत सिंपल है, वही आपको बॉम्ब डिफ्यूजल का मोड रहता है, बट इसमें 30 मैचेस टोटल रहते हैं खेलने को। एक 15 मैचेस आप खेलते हो एज टेररिस्ट और 15 मैचेस आप खेलते हो एज काउंटर टेररिस्ट। तो यहाँ पर हम समाप्त होता है CSGO का ऑल मोड्स गाइड। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बारे में। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में बहुत सिंपल थिंग है। ठीक है, पहला बात हम बैटल रॉयल मोड को हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 6 मोड से एक मोड खाली हुआ, तो 5 मोड्स बाकी रहे। जो मोड्स हैं फ्रंट लाइन, टीम डेथ मैच, डोमिनेशन, सर्च एंड डिस्ट्रॉय एंड प्रैक्टिस वर्सेस AI। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं फ्रंट लाइन की। फ्रंट लाइन बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे 50 किल जो भी पहला टीम करेगा वो टीम जीत जाएगा मैच। और टीम डेथ मैच में भी हुई है, बस 10 किल्स कम है, आपको यहाँ पे 40 किल जो मैच जो 40 किल पहला टीम करेगा वो टीम जीत जाएगा। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं डोमिनेशन की। ये अदर मोड से थोड़ा क्रिटिकल है। डोमिनेशन में आपको 3 पॉइंट्स रहता है, अल्फा, ब्रावो, चाली। अल्फा, ब्रावो, चाली को आपको सिक्योर करना रहेगा, या नहीं तो आपको कब्जा करना रहेगा, जैसे कि आप वो मैच जीत सको। दो राउंड रहता है, पहला राउंड 50 पॉइंट का और दूसरा राउंड 100 पॉइंट का। जो पहला टीम 100 पॉइंट करेगा वो टीम जीत जाएगा। आप जितना कैप्चर करोगे उस हिसाब से आपको पॉइंट मिलता है। ठीक है, आप जो ज़्यादा टाइम कैप्चर करेगा उन पॉइंट्स को वो टीम जीत जाएगा।
तो यहाँ पे डोमिनेशन खत्म होता है तो अभी बात कर लेते हैं सर्च एंड डिस्ट्रॉय। सर्च एंड डिस्ट्रॉय मतलब पूरा डिटो काम करता है अपना डिफ्यूज मोड की तरह, ठीक है। इसमें भी आपको बॉम्ब डिफ्यूज करना रहेगा और अगर आप टेररिस्ट बने हो तो बॉम्ब प्लांट करना रहेगा और जो भी टीम पहले मार देगी तो अपोनेंट टीम को वो टीम जीत जाएगी। तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे लास्ट गेम मोड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के, जो प्रैक्टिस वर्सेस AI। जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा AI के साथ प्रैक्टिस करना है जिससे कि आप बेहतर हो पाए गेम में, और आप तुरंत जाते ही आप पनिश्ड हो जाओगे। उससे अच्छा है आप AI के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, उनके साथ थोड़ा गुप्तगू करो और थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाओ गेम में, जिससे कि आप इजीली रियल प्लेयर को टक्कर दे सको और अच्छे से पनिश कर सको उनके हर एक मिस्टेक से। ये दोनों गेम्स के मोड्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफिक्स की। तो ग्राफिक्स के मामले में आप इतना तो देख चुके हैं वीडियो जिसमें कि सारा प्रेज ले जाता है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। एक मोबाइल गेम होने के बाद भी इतना अच्छा ग्राफिक्स इसे प्रोवाइड करता है, इतना अच्छा गेम प्ले आपको प्रोवाइड करेगा इतने सुंदरता के साथ, और इसमें स्कोर स्ट्रिक्स भी है जिससे कि बहुत मज़ेदार गेम प्ले बन जाता है। बट एक स्कोर स्ट्रिक्स मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो है वो चॉपर यार, वो चॉपर घटाओ जितने जल्दी हो सके, वो हेलीकॉप्टर चॉपर कुछ भी बोलो, उसमें जो गोली मिसाइल सब लॉन्च कर सकते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। और क्योंकि ना अपग्रेड करने का सिस्टम ऐसा है कि भाई आप पे करो और अपग्रेड जल्दी से जल्दी कर लो जिससे कि स्कोर स्ट्रिक्स उनको जल्दी मिल जाता है कोई ओपोनेंट को, तो वहाँ पे कंपटीशन का MB हो जाता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं CSGO की। तो उसके CSGO में आपको प्योर स्किल्स चाहिए, वहाँ पे आपको कोई भी लक सपोर्ट नहीं कर सकता, एक भी आपका मिस्टेक और आपको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिल सकता है। तो आपको बहुत ध्यान में रख के वो गेम खेलना रहता है, तो बहुत ही कंपटीशन बहुत हाई है, ई स्पोर्ट्स में भी है। तो आप किसी दूसरे को पनिश करो उससे पहले आप बहुत पनिश होते हो, तो हार मत मानना, ये गेम को खेलो और मुझे बताना मत भूलना अगर आप खेल रहे हो तो आपका फेवरेट गन उसमें कौन सा है। मेरा फेवरेट तो AKM हमेशा से, ठीक है, AKM नहीं AK-47, ओके। और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी अपना प्लेस बहुत अच्छे से होल्ड करता है, मल्टीप्लेयर गेम के नाम पे बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप पोर्टेबिलिटी देखिए, मोबिलिटी इसका देखिए, आप कहाँ पे भी उठा के ले के जा सकते हैं खेलने को, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगता है जब भी ऐसे कुछ गेम निकलता है जो भाई ग्राफिक्स के मामले में, साउंड क्वालिटी के मामले में हर स्टेज में आपका साथ देता है, ठीक है। तो ये गेम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पर्सनली। मेरे पास कहने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। जो भी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते हैं ये मेरा आईडी रहा, आप चाहोगे तो मेरे साथ खेल सकते हो कभी भी, ठीक है, मैं जब ऑनलाइन रहूँगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, शेयर कर लो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को टू रोल योर लाइफ इन गेमिंग डायरेक्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यॉज़ फाउल्स।